यह कहानी एक ऐसी विकलांग लड़की पर आधारित है जो कि कैंसर से पीड़ित और अपनी माँ से जुदा अकेले रूम में कैद दिन भर घूमते रहती है। इस लड़की का नाम लिली है जो कि कैंसर से पीड़ित है और उसकी माँ कुछ साल पहले मर जाती है और वह इस गम को सह नहीं पाती है और सीढ़ियों से गिरकर विकलांग हो जाती है और साथ ही कैंसर से पीड़ित रहती है। वह इस गम से बाहर नहीं निकल पाती है और डेली अपने माँ के बारे में सोचती रहती है। वह मन ही मन सोचती है कि काश मेरी माँ आज अगर जिंदा होती तो मैं इस तन्हाई के आलम में अलग रहता, मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी ना होती, मैं एक स्वस्थ जीवन जी रही होती। पर ऐसा नहीं है, वह अकेली इस रूम में कैद पिचासों से घिरी हुई भूत की तरह जिंदगी जी रही है। लिली का दो कमरा होता है, इस कमरे में एक बेडरूम और दूसरा किचन होता है। वह किचन में ही अपनी माँ की आत्मा को हर रोज महसूस करती है और अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ तो आत्मा है, उससे बात करने का कैसे सोच सकती, इसलिए उसकी माँ भी उससे बात नहीं कर सकती। और लिली एक हट पे कहती रहती है कि माँ आप मुझसे बात करो, मुझसे बात करो माँ, मुझे अकेली छोड़ के इस तरह आप चुप ना रहो, मुझसे बात करो। पर लिली की माँ यह सारी बातें सुनती है लेकिन वह आत्मा होती है जिसके कारण वह सुन नहीं पाती है। अब आगे की कहानी। ऐसे ढेर सारे मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आज फैक्ट बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।